नमस्कार, बिहार टिक्स में आपका स्वागत है। इस बार कवर स्टोरी में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। छब्बीस मई यानी मंगलवार को करीब 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस रिजल्ट का छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था। इस परीक्षा में हिमांशु राज ने टॉप किया है। हिमांशु ने 96.20% अंक हासिल किए हैं। हिमांशु राज ने रोहतास के जनता हाई स्कूल टेनवाच से पढ़ाई की है। हिमांशु राज के पिता सुभाष सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हिमांशु ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा के लिए उन्होंने विशेष मेहनत की थी। वह दिन में करीब 14 घंटे पढ़ाई करते थे। वही सेकंड टॉपर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार बने हैं। दुर्गेश को कुल 480 अंक प्राप्त हुए हैं। वह एसके हाई स्कूल जितवारपुर के छात्र हैं, जबकि थर्ड टॉपर में 3 स्टूडेंट शामिल हैं, शुभम कुमार, राजवीर और जूली कुमारी। तीनों स्टूडेंट्स को कुल 478 अंक मिले हैं। टॉप 10 की सूची में 41 स्टूडेंट शामिल हैं, जबकि इस बार टॉप 10 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक छात्रा ने जगह बनाई। टॉपर लिस्ट में औरंगाबाद, रोहतास, समस्तीपुर जैसे जिलों का दबदबा है। वहीं सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी 7वें स्थान पर हैं। परीक्षा में कुल 80.59% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें से 403,392 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 524,217 सेकेंड डिवीजन से और 275,402 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि कुल 12,02,030 विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर हम परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की बात करें तो इस बार 14,94,071 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। इनमें से 7,29,213 छात्राएं थी। खबरों की माने तो मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले इस बार BSEB ने फूक फूक कर कदम रखा है। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले इस बार भी टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया गया। हालांकि कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने टॉपर विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन इंटरव्यू विशेषज्ञ द्वारा कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। 8 टीचर्स की बोर्ड ने इस बार टॉपर्स का इंटरव्यू लिया था। एक टॉपर के अनुसार 18 मई को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कॉल किया गया। उसे पेन और पेपर के साथ उपस्थित होने को कहा गया। इसके बाद 7 से 8 टीचरों की एक कमेटी ने बारी बारी से उसका इंटरव्यू वीडियो कॉल के माध्यम से लिया। इसी तरह देखते ही बिहार टिक्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।